आज के इस टॉपिक पे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है महावीरा एंड हमारा जो कंटिन्यू चैप्टर है दैट इज थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स उस पर हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। महावीरा कौन थे? BCE 540 से 468 तक का टाइम पीरियड इनका रहा है। महावीरा जो थे ही वॉज प्रिसीडेड बाई 23rd तीर्थंकर्स और 24वें तीर्थंकर इनको माना गया है। और द तीर्थंकर्स होते कौन थे? एक्चुअली दे वर द टीचर्स हु गाइड मैन एंड वुमन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो सबसे पहले जो तीर्थंकर रहे वो ऋषभ देव रहे हैं, उनके बाद परश्वनाथ जो थे वो 23rd थे और महावीर जो थे वो 24th थे। इनका जन्म कुंडला ग्राम मुसरफपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट बिहार में नियर वैशाली में हुआ। इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे और जो कि क्षत्रिय क्लास से थे। उनकी जो मदर थी त्रिशाला थी, लिचावी प्रिंसेस थी। देन यशोदा उनकी वाइफ थी और उनके और उनकी एक डॉटर भी थी। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट द होम एंड आफ्टर 12 इयर्स ही अटेंड द नॉलेज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72 पावापुरी बिहार। 72 इयर्स की एज में पावापुरी में इनकी डेथ हो गई थी और 12 साल तक उन्होंने अच्छे नॉलेज को गेन करा था। अब हम पढ़ने के भी जो महावीरा थे, आपका अगर आप बुक देखोगे बेटो एनसीईआरटी की बच्चों, तो उसमें लिखा है समराइज द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। तो हम वही टीचिंग्स का समराइज कर रहे हैं, बेसिक आइडिया के थे जैन फिलोसफी के। तो जो मेन टीचिंग्स थी महावीरा की, उसमें ये कहा गया कि जो एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ। जो पूरा जो विश्व है वो प्राणवान है, और यहाँ तक कि जो पत्थर है, चट्टान है, जल है, सब में जीवन है। देन सेकेंड वॉज नॉट टू किल एनीवन, यानी किसी की इंजरी नहीं करनी है, स्पेशली टू द ह्यूमंस एनिमल्स प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। जीव हत्या नहीं करनी है, जिसमें कि मानव है, पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे जीव जंतु, इनको किसी को नहीं मारना है। देन ही बिलीव इन साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ विच शेप्स थ्रू द कर्म। कहते हैं कि जो कर्म है उसके आधार पर जन्म और रीबर्थ पुनः जन्म की बात कही उन्होंने। देन ही सेड, दे सेड कि जो एसेटिज्म है और जो पीनेंस है वो रिक्वायर्ड है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने को इस कर्म के जन्म चक्र से निकालना चाहता है तो उसके लिए उनको जो है वैराग्य जीवन और बहुत ज़्यादा कठिन कठोर तपस्या वाला जीवन अपनाना पड़ेगा। एंड देन दिस कैन बी अटेंड बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, और ये सब वर्ल्ड को इस विश्व को परित्याग करके ही होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप ये टीचिंग्स आपको क्लियर होगी होंगी। अब महावीरा ने क्या मैसेज दिया? महावीरा डिड नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते थे। ही डिड नॉट बिलीव दैट गॉड क्रिएटेड एंड कंट्रोल द होल यूनिवर्स, उनका ये भी मानना था कि जो इस ब्रह्मांड की जो की रचना है वो ना तो ईश्वर ने की है और ना ही उन्होंने उसको कंट्रोल किया हुआ उस यूनिवर्स को। एंड इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम, अगर कोई व्यक्ति मंत्रों के उच्चारण करता है या यज्ञ करता है तो वो उसका वेस्टेज ऑफ टाइम है। देन उन्होंने कहा कि अगर गुड लाइफ जीनी है तो तीन मेरे एसेंशियल पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो फॉलो करने चाहिए, दैट इज़ राइट टू फेथ, राइट टू नॉलेज, राइट एक्शन, एंड दीज वर कॉल्ड एज थ्री ज्वेल्स और रत्न ऑफ द जैन रिलीजन। देन महावीरा, जो महावीर हैं उन्होंने कहा कि जो जैन फॉलोअर्स थे, चाहे वो मॉन्क्स थे चाहे वो नंस थी, उनको 5 वोज का पालन करना पड़ता था, 5 व्रत का पालन करना पड़ता था। और पहला था टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, टू एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, टू एब्सटेन फ्रॉम लाइंग, टू ऑब्जर्व सेलिब्रेसी, टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, यानी कि हत्या नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचारी का पालन करना है और धन का संचय नहीं करना है। ये 5 व्रत का पालन उन व्यक्तियों को करना होता था जो कि जैन धर्म के अनुयायी थे, जो जैन धर्म को मानते थे। अब हम चलते कि जो स्प्रेड ऑफ जैनिज्म है वो कैसे हुआ। एक्चुअली जो महावीरा थे उनके बाद जो फॉलोअर्स आए उन्होंने महावीरा की जो टीचिंग्स थी उनको रिकॉर्ड किया था और उसका प्रचार किया था। और वो जो रिकॉर्डेड जो मटीरियल था जो डिसाइपल्स करते थे वो इट बेब इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, ताकि वो आम जनता तक पहुंच सके। तो जो महावीरा की जो भी लोक कथाएँ थी जो उनसे जुड़ी हुई थी वो इन डिसाइपल्स के द्वारा की जाती थी ताकि वो आम जनता तक पहुंच सके। देन जितने भी जैन स्कॉलर्स हुए हैं उन्होंने लिटरेचर को इम्पोर्टेंस देते हुए वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस का यूज़ किया, दैट इज़ प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल, एंड प्रिजर्व इन द लाइब्रेरीज अटैच टू द टेम्पल्स। और ग्रेजुअली जो था जो ये महावीर का जो जैनिज्म था वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में फैलने लगा।
अच्छा, एक बात इम्पॉर्टेंट यह है कि जो जैनिज्म है वो केवल इंडिया तक ही लिमिटेड रहा, जबकि बुद्धिज्म आउटसाइड द कंट्री भी फैला है, और बहुत सारी स्कल्पचर्स जो हैं जैन धर्म से रिलेटेड हैं जो हमें इस जैन रिलीजन के बारे में बताती हैं। लेट्स सी अबाउट द बुद्धा। गौतम बुद्धा, जिनका टाइम पीरियड है BC 563 से 483, हिज बर्थ वॉज इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु नेपाल BC 563। उनका जन्म लुम्बिनी में कपिलवस्तु में नेपाल में हुआ था। उनके पिता सुदोधन थे जो कि कपिलवस्तु के राजा थे, और वो एक शाक्य फैमिली को बिलोंग करते थे। इनकी जो माता थी वो महामाया थी, वो प्रिंसेस ऑफ कौशाला थी, एंड ही डाइड शी डाइड व्हेन विद इन अ 1 वीक ऑफ हिज बर्थ, यानी कि जब बुद्धा का 1 हफ्ते के अंदर उनकी डेथ हो गई थी जब बुद्धा का जन्म हुआ था। और बुद्धा जो थे ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप बाय द गौतमी, महाप्रजापति गौतमी के द्वारा उनका उनको लालन पोषण हुआ। और 16 ईयर्स की एज में उनकी मैरिज कर दी गई, यशोदा नाम की उनकी स्त्री से विवाह हुआ था, और उनका एक बेटा राहुल भी था। अब जो भगवान बुद्ध थे ना, वो बहुत कम इंटरेस्टेड थे अबाउट द मैरिड लाइफ, एंड द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट द होम, और 29 की एज में उन्होंने महापरित्याग कर दिया था। एंड एट द एज ऑफ 35 ही अटेंड द ग्रेट नॉलेज, यानी कि इनको सत्य की खोज हो गई थी, ट्रुथ ऑफ नॉलेज पता चल गया था, प्रबुद्ध शक्ति आ गई थी उनके पास, और उन्होंने अपनी पहली जो शिक्षा थी, पांच पहली शिक्षा अपने 5 डिसाइपल्स को दी थी, वो थे बनारस में सारनाथ में, और वो कहलाया था धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि बुद्धा का था, उसका जीवन उनके जीवन में ही परिवर्तन हो गया। एंड ही पास जब इन BC 483 एट कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश। अब हम चलते हैं कि जो बुद्धा थे उनको उनकी जो लाइफ थी वो कैसे चेंज हुई, उनके कुछ जीवन में इंसिडेंट्स हुए जो हम आगे पढ़ेंगे। ही वॉज द बेस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर ऑफ द टाइम, देन हिज मैसेज वॉज नॉट स्प्रेड इन ओनली नॉट इन इंडिया बट इन सेंट्रल एशिया टू चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। एज हिज अर्ली नेम वॉज सिद्धार्था एंड ही वॉज बॉर्न टू किंग सुदोधन ऑफ कपिलवस्तु एंड ही बिलोंग्स टू शाक्या क्लेन। देन ही लेड अ शेल्टर अपब्रिंगिंग इन पैलेस, उनको जो था उनकी जीवन जो था आरंभिक जीवन वो पैलेस में रहा था, तो वो उसको वास्तव में जिंदगी क्या है वो उनको पता ही नहीं था। और एक बार उन्होंने एक जर्नी ली अपनी सिटी की, तो उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट ही आ गया जब वो शहर में घूमे, तो उन्होंने सबसे पहले जो कि उनके दिल को छू गया, उनके डीपली पेन उनके अंदर ले आया, सबसे पहले उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, उन्होंने ये व्हाट ही फील की व्हाट्स अ यूज की भाई जो लोग हैं अपनी जूत पर घमंड करते हैं। देन ही सॉ द सिक मैन, देन ही सॉ द डेड बॉडी एंड ही रियलाइज दैट देर इज नो यूज टू यूज ऑफ लाइफ ऑफ सच ए लाइफ, जो इतनी डिफिकल्टी में अपना जीवन जी रहे हैं, या अपने हम यूथ पे क्यों घमंड करते हैं जबकि हम एक दिन ओल्ड होना है, हम बीमार भी पड़ सकते हैं, हम मर भी सकते हैं। और उनका जो लास्ट इंसिडेंट उनके जीवन का था, और ही सॉ एन एसेटिक, एक साधु संत को देखा उन्होंने, देन ए मोमेंट ही रियलाइज दैट ह्यूमन बॉडी विल बी डीके वन डे, तो इट इज इन हम सबको सोचना व्यर्थ है। और तब उन्होंने जो था सुन ही आफ्टर दिस इंसिडेंट ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 39 इन सर्च ऑफ ट्रूथ। तो दिस इज अ प्लेस, बेटा आप यहाँ पे देख रहे हो एक बौद्धि वृक्ष है, और इस बौद्धि वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध ने 35 साल की आयु में जो था सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की थी। ही गॉट एनलाइटमेंट, द ग्रेट एनलाइटमेंट पीरियड कहलाता है ये पीरियड। आई होप यहाँ पे आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, कल हम इसका कंटिन्यूड पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।